आज हम बात करेंगे क्लियर क्वार्ट्स के बारे में. ये बहुत प्यारा क्रिस्टल है जो एकदम सफ़ेद एकदम बहुत प्यारा बर्फ की तरह होता है, क्योंकि ये बर्फ से ही बनता है. सबसे पहले बात करते हैं कि बनता कैसे है और कहाँ से निकला था. कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय में जो सबसे पहला मणि निकला था वो यही था क्लियर क्वार्ट्स. तो मैं पहले बता दूँ आपको कि मैं क्रिस्टल में ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी. पूरा पढ़ा था मैंने, पूरी नॉलेज ली थी इसकी, पर मैंने कहा कि कहाँ से सच्चे मिलेंगे, क्या होगा, इस लफड़े को छोड़ो, रेकी में ही अपना ध्यान दो. पर सडनली मेरी बर्थडे पर मुझे एक क्रिस्टल का गिफ्ट मिला और मैं बहुत खुशी हुई. तो सचिन, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए, और ये मेरा मन पसंद क्रिस्टल बन गया क्लियर क्वार्ट्स. मैं अब बताती हूँ कि क्यों. जब से मैंने ये क्रिस्टल यूज़ करने शुरू किए और देखा कि ये तो तुरंत असर करते हैं, उसके बाद मैं तो क्रिस्टल की भक्त बन गई. क्योंकि हर स्टेप पर मैं डिफरेंट क्रिस्टल यूज़ करने लगी और असर भी इतना तुरंत करते हैं ये कि मुझे बिलीव ही नहीं होता. पहनने में या रखने में जो सकारात्मक जो वाइब्रेशन छोड़ते हैं, एकदम जो नेगेटिविटी तो हमारे घर में है ही नहीं. क्योंकि लोग आते हैं वो बोलते हैं यहाँ बैठने में बहुत मज़ा आता है, एकदम लगता है कि बस स्वर्ग है, कितनी शांति है आपके यहाँ. क्योंकि वो देखते नहीं है कि सामने रखे हुए क्रिस्टल रखे हैं, जो उनकी नेगेटिविटी है जो भी है वो अपने तो सोख कर लेते हैं. तो ये तो मैंने प्रभाव उसका देखा और वाकई में अभी तो मैं रेकी के साथ इसको भी यूज़ करने लगी. तो ये बनता कैसे थे उसके बारे में बात कर रही थी. भारत में हिमालय पर्वत पर सबसे ज़्यादा ये बनता है. ये बनता कैसे है, जो बर्फ़ जम जाती है और बहुत सालों तक जम करके वो पत्थर बन जाती है. पत्थर बन करके वो उसमें नुकीले नुकीले एकदम पिरामिड जैसे बन जाते हैं. तो वही पिरामिड्स पेंसिल शेप में जो आप जो क्लियर क्वार्ट्स की जो पेंसिल्स जो आप ग्रिड बॉक्स में यूज़ करते हैं वो यही होते हैं. और सबसे ज़्यादा काम ये आता है क्लियर क्वार्ट्स, बहुत ज़्यादा काम का है ये. और इसके अलावा इसमें ग्रैंड्स बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ये, क्योंकि बर्फ़ से बनाए ठंडा होता है, थोड़ा तासीर ठंडी होती है. तो जिसको अस्थमा वगैरह है या गले की तकलीफ़ है, साइनसाइटिस है, टॉन्सिल वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो सामने रख करके अपने घर में रख करके हीलिंग करें, बहुत अच्छा काम करेगा. पहले नहीं उसको थोड़ा पास में रख के. और ये हमारे सहस्रार चक्र से जुड़ा हुआ है, क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ है और हमारे विशुद्ध चक्र यानी कि थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ है. उसके रिलेटिव में जितने भी रोग हैं, जैसे सिर के रोग हैं, माइग्रेन है, सिर दर्द है, फिट्स पड़ते हैं, एपिलेप्सी वगैरह का जो है, और नींद नहीं आती है, हेडेक वगैरह हमेशा रहता है, टेंशन रहती है, उस सब के लिए बहुत अच्छा है अगर वो उसको पहने, माला की फॉर्म में पहने या ब्रेसलेट पहने या पेंडेंट पहने या घर में रखे, तो बहुत अच्छी हीलिंग करता है. उसके अलावा जो गले के रोग है, जैसे टॉन्सिल वगैरह है और साइनसाइटिस है, नाक के रोग है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, जितने भी ठंड के है, अस्थमा वगैरह है, तो ये बहुत अच्छा हील करता है. पर सामने रख कर तब हील करें, तभी अच्छा काम करता है. इसके अलावा ये मन को शांति, ठंडा है तो मन की शांति भी देता है ये. और गले में धारण करें तो सरस्वती जी का वास होता है. सरस्वती जी का वास होगा तो वाणी अच्छी निकलेगी. और अगर आप इसकी माला पहनेंगे तो जो आप बोलेंगे तो लोग प्रभावित होंगे और वो आपकी बात को सुनने में बहुत मतलब ललायित होंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, नहीं हमको सुनना है, आप हमको बताओ ना कैसे क्या सॉल्यूशन है, कैसे क्या है. तो ये वो अट्रैक्शन वाला वो काम करता है. अगर इसका ब्रेसलेट आप हाथ में पहन कर रखेंगे तो ये आपके विशुद्ध चक्र को और क्राउन चक्र को ये अपने आप हील करता रहेगा. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और बहुत फ़ायदा होगा. उसको ठंडक देगा, क्रोध शांत करेगा, क्योंकि बर्फ़ से बना हुआ है तो बहुत अच्छा देगा, शांति देगा पूरा और एकदम स्पष्टता देगा पूरी. इसके अलावा जो क्लियर क्वार्ट्स से बने हुए ये आर्कएंजल है, आर्कएंजल रिजाइल. तो अगर इसको साथ में रखेंगे आप, इनसे मांगेंगे, जो भी लोग आध्यात्मिक उसमें भगवान से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनके लिए ये आर्कएंजल रिजाइल बहुत काम करता है. अगर इनसे मांगेंगे कि आर्कएंजल रिजाइल प्लीज़ आओ और मुझे देवी देवताओं के साथ जोड़ दो, तो ये आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ दो, आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ दो, और पूरा मुझे आध्यात्मिक पवित्रता और पूरा मानसिकता जो है मेरी आध्यात्मिक हो जाए, पवित्र हो जाए, मुझे उससे जोड़ो, ये तुरंत काम करेंगे. तो इनको हाथ में रख करके जो मांगोगे वो मिलेगा. क्योंकि क्योंकि क्या है, ये आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं. आर्कएंजल रिजाइल जो है आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ जो है ये क्लियर क्वार्ट्स जो है, ये हमारे सिर के ऊपर क्राउन चक्र के ऊपर एक और चक्र होता है जिसको कि सोल स्टार चक्र बोलते हैं. तो ये अगर जो मेडिटेशन करते हैं इसकी माला पहन करके और हाथ में भी लेकर के स्टोन या आर्कएंजल रिजाइल को हाथ में लेकर के अगर मेडिटेशन करो तो आप फील करेंगे कि जो बहुत भक्ति में चले गए हैं और वो चाहेंगे
तो सीधा देवी देवताओं से परमात्मा से जोड़ते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। जो बोलते हैं ना कि उनके अंदर ये देवी आती हैं, ये देवता आते हैं, तो ये इनका प्रभाव वो उनको मिल सकता है। इससे बना हुआ, क्लियर क्वार्ट्ज से बना हुआ ये श्री यंत्र है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर इसको रख के घर में, पूजा घर में रखो, कहीं पर रख करके इसकी पूजा की जाए, तो श्री लक्ष्मी जी का निवास होता है और जो धन के संबंध में जो भी काम है रुके हुए वो बनने लगते हैं और धन वैभव घर में आने लगता है। और क्लियर क्वार्ट्ज से बना हुआ शिवलिंग अगर घर में रखा जाए, पूजा घर में रखें, उसकी पूजा करेंगे तो शिव जी की कृपा होती है। आपको पता है कि अगर शिव जी की कृपा हो तो रोग दोष सब नष्ट हो जाते हैं और धन वैभव की तो कमी रहती ही नहीं है और लंबी आयु भी होती है, तो उसका प्रभाव इस तरह पड़ता है। तो इसी तरह से इसके बहुत सारे लाभ हैं और मतलब शक्ति भक्ति ये सब कुछ देता है। वैदिक काल से क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र मंथन में जो एक मणि निकली थी वो क्लियर क्वार्ट्ज थी। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सबसे ज्यादा भारत में हिमालय पर बनता है और हिमालय का क्लियर क्वार्ट्ज सर्वोत्तम माना जाता है। हिमालय के पहाड़ पर जो बर्फ जम जाती है वो एक स्टेज पर आकर पत्थर में बदल जाती है। वो पत्थर धीरे धीरे पिरामिड सेल्स में बदलने लगता है। इसमें पेंसिल जैसे नेचुरल पिरामिड्स निकलने लगते हैं। ये कोनों से नुकीले रहते हैं। रेकी ग्रिड में इन्हें पेंसिल पॉइंट्स के रूप में और डिस्टेंस हीलिंग में वेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यह बर्फ से बना है, यह जल तत्वों से संबंधित है। घर में जब भी जल तत्व बिगड़ा हो और वास्तु दोष आ जाए तो बीमारी आदि पर पैसा खर्च होता रहता है और घर में बरकत नहीं होती। इसका बड़ा स्टोन ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखने से दोष दूर होता है। जल तत्व क्योंकि धन कारक है, इससे धन का प्रभाव बढ़ने में सहायता मिलती है। क्लियर क्वार्ट्ज सहस्रार चक्र और विशुद्ध चक्र से जुड़ा है। इसे धारण करने से इन दोनों चक्रों के समस्त रोग और रुकावटें दूर होकर संतुलन आने लगता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर क्वार्ट्ज पास रखने से या पहनने से सोच विचार और निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। बच्चों को अपना करियर चुनने में, सही गलत का फैसला आत्मविश्वास से लेने में आसानी होती है। चक्रों के संतुलन, उपचार और स्पिरिचुअल मसाज के लिए इसके रोल्स का प्रयोग किया जाता है। क्राउन चक्र से जुड़ा होने के कारण यह सिर के रोगों जैसे सिरदर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, क्रोध आदि को ठीक करता है। इसके अतिरिक्त इसका लॉकेट या माला पहनने से आंखों की समस्या ठीक होती है और बुखार शांत करता है। यदि क्लियर क्वार्ट्ज की माला हाथ में लेकर या पहनकर मेडिटेशन की जाए तो यह सहस्रार चक्र के ऊपर स्थित स्टार चक्र पर काम करता है और सोल स्टार चक्र के से कनेक्ट कर देता है और हमारा सहस्रार चक्र सीधा परमात्मा से कनेक्ट होने लगता है। यह परमात्मा और अंतरात्मा का पूरी तरह से पवित्रीकरण करता है, साइकिक हीलिंग करता है और ऑरा क्लीन करते हुए उसे शक्तिशाली बनाता है। इसके स्टोन को आज्ञा चक्र पर रखकर मेडिटेशन करने से यह दैविक शक्तियों से जोड़ता है। इस स्फटिक की सबसे बड़ी खूबी और खास विशेषता यह है कि यह पहनने वाले किसी भी पुरुष या स्त्री को एकदम स्वस्थ रखता है। इसके बारे में यह भी माना जाता है कि इसे धारण करने से भूत प्रेत आदि की बाधा से मुक्त रहा जा सकता है। इसके माला को धारण करने वाले व्यक्ति में धीरे धीरे सम्मोहन का प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। इसे पहनने मात्र से ही शरीर में इलेक्ट्रोकेमिकल संतुलन उभरता है और तनाव दबाव से मुक्त होकर शांति मिलने लगती है। वेद पुराणों के अनुसार क्लियर क्वार्ट्ज में श्री लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसकी माला के मनुकों से रोजाना सुबह लक्ष्मी देवी का मंत्र जप करना या श्री यंत्र सामने रखकर पूजा करने से आर्थिक तंगी का नाश करता है। इससे बने शिवलिंग की पूजा अर्चना से धन दौलत, खुशहाली और बीमारी आदि से राहत मिलती है तथा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इसके शंख से ईश्वर को जल तर्पण करने वाला पुरुष या स्त्री जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्लियर क्वार्ट्ज की माला पहनने से या हाथ में इसका ब्रेसलेट पहनने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और वाणी दोष नष्ट होते हैं। इसे धारण करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह की ऊर्जा आने से धन वैभव आने लगता है। जो लोग ब्रांडेड कपड़े, गाड़ी आदि ही लेना पसंद करते हैं उनमें लॉयल्टी आती है, जो शुक्र ग्रह के उच्च होने की निशानी है।
रुद्राक्ष और मूंगा के साथ पिरोया गया क्लियर क्वार्ट्स का ब्रेसलेट काफी पहना जाता है। इससे व्यक्ति को डर नहीं लगता, उसकी सोच समझ में तेजी और विकास होने लगता है, मन इधर उधर भटकने की स्थिति में और सुख शांति के लिए इसे पहनने की सलाह दी जाती है। क्लियर क्वार्ट्स धारण करने या पास रखने से यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, नसों को ठीक रखता है, त्वचा में चमक लाता है, शरीर में जगह जगह आए दर्द को दूर करता है और ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है। क्योंकि यह ठंडक देता है, ठंडी प्रकृति वाले रोग इसे धारण न करके इसे पास रखें तो यह वायरल फीवर, कफ, सर्दी जुकाम आदि को ठीक करता है। कुंडलिनी में आए ब्लॉकेज और लीकेज जैसे दोष जो हमारी ऊर्जा को नष्ट करने लगते हैं, इसे पहनने से दोनों ठीक होने लगते हैं। सूर्य की शक्ति लेने के लिए क्लियर क्वार्ट्स के वेंट्स को 10 से 15 मिनट तक निकलते सूरज की दिशा में रखें, फिर उसे जिस व्यक्ति की तरफ रखेंगे उसे सूरज की शक्ति मिलने लगेगी। विशेष ज्ञान प्राप्ति के बाद इस क्रिस्टल के बॉल में कंसंट्रेट करके इस विद्या में निपुण लोग भूत, भविष्य आदि बताने में सक्षम होते हैं। ज्वर, पित्त विकार, निर्बलता तथा रक्त विकार जैसी व्याधियों में वैद्यजन इसकी भस्मी का प्रयोग करते हैं। क्लियर क्वार्ट्स समीप रखने से या कंप्यूटर से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन को अपनी ओर खींचकर सोख लेता है। इसे नमक के पानी में 24 घंटे रखकर या अगरबत्ती के धुएं से क्लीन करके ही प्रयोग में लाया जाता है। आर्कएंजल रेजायल इस क्रिस्टल से संबंधित हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं।